हेलो गाइस, आज मैं आपको उसकी कटिंग सरल तरीके से वो बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना ब्लाउज का पीस है, अपन को इसको खोलना है। खोल के यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। अब एक बात का याद रखिए, जो पट्टी आती है इसमें बॉर्डर हमेशा पतला बॉर्डर पीछे आता है, चौड़ा बॉर्डर आस्तीन पे आता है, लेकिन इसमें दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ भी पतला है, यहाँ भी पतला है, तो किधर से भी काट सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है कि अब आगे कौन सा बॉर्डर रखें, पीछे कौन सा और आस्तीन पे कौन सा लगाना है, इसलिए बताया। चलिए ये अपना कपड़ा सही से अपन बिछा, देखिएगा इस कपड़ा बिल्कुल सीधे से बिछा दिया है। अपन इस पे नाप लगाएंगे। सबसे पहले अपन पीछे का पीस काटते हैं। अपना था लंबाई अपनी है 14.5 इंची, 14 या फिर 14.5 इंची, तो अपन इसमें 1 इंची का मार्जिन ले लेंगे, ऊपर दबाने के लिए, नीचे दबाने के लिए, और अलग से फालस पट्टी डाल देंगे। और इसमें फालस पट्टी डालनी पड़ेगी, ये अपन मोड़ नहीं सकते, बॉर्डर मुड़ जाएगा, इसीलिए इसको फालस पट्टी से दबाना पड़ेगा। तो इसकी अपन लेंगे 15 इंची, यहाँ से 15 इंची में लगा दिए एक निशान। अब यहाँ से अपन शोल्डर लेंगे 5.5 इंची, ये 5.5 इंची पे लगा दिया। आर्म होल भी 5.5, आर्म होल भी 5.5 लगा दिया। अपन यहाँ पे अब सीने का नाप लगाएंगे। सीने का नाप हमेशा जितना भी अपन ना सीना है उसका चौथाई भाग लगाते हैं। ये है 41 इंची का अपन चौथाई भाग निकालना है। अब किसी को निकालना नहीं आता तो इंची टेप से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये अपन ने किया 41 इंची पे, इसको ऐसे किया, फिर इसको एक और बार फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पे दबा दिया, तो ये अपना चौथाई भाग निकल आएगा। देखिए अपना चौथाई भाग आया है 10.2, तो अपन 10.2 लगाएंगे। अपना ये फिक्स हो गया। देखिए ये अपना फिक्स है। अपन इसमें अब 1.5 इंची मार्जिन लेंगे। 2 इंची भी ले सकते हैं, 1.5 इंची भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 1.5 इंची मार्जिन लिया जाता है। 1.5 इंची का मार्जिन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अपन कमर में अब क्या करेंगे, जितनी अपनी कमर है उसका अपन चौथाई भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीछे पलेट डलती है इसलिए वो उसमें कवर कर लेता है। तो जितना अपन ने ऊपर लिया है उससे 0.5 इंची कम करके नीचे ले लेंगे। अपन ने ऊपर लिया है टोटल, देखिए 12 है, 12 में थोड़े 2 पॉइंट कम है, 12 इंची में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे 11 में 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। ये अपना कमर का निशान आ गया, अपन इसको इससे मिला देंगे। अब आर्म होल की गहराई देंगे। आर्म होल की गहराई अपन देंगे, अंदर वाली देते हैं अपन 0.5 इंची पे, और बाहर वाली देंगे 1 इंची। ये गला बाद में काटेंगे अपन, पहले इसको कट कर लेते हैं। चलिए अब अपन आगे का पीस काटते हैं। अपने पीछे का पीस काटा था, आगे के पीस काटेंगे, उसमें भी यहाँ पे 5.5
तीरा अलग काटना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी में तीरा काट देते हैं, आगे की पीस में उससे फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए तीरा हमेशा अलग काटना चाहिए। तो अपन आगे का ये रखेंगे अपन 13 पे, पॉइंट लगाएंगे इसका 13 पे, 13 यहाँ से अपना सीने का लगेगा। देखिए गाइस ये अपना 2 फोल्ड है, इसको अपन 4 फोल्ड में करेंगे, ये अपना 4 फोल्ड है। और अपन इसकी अब मोरी नापेंगे, अपनी मोरी है 6, अपन 6 इंची मोरी हो गई। और ये अपना फिर 1.5 इंची अपना मार्जिन, लेकिन अभी इसमें जॉइंट डलेगा तो इसको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है कपड़ा, तो अपन इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, कपड़े को उठा के ऐसे कर देंगे। अभी अपनी है लंबाई मोरी, ये है 4 इंची लंबाई अपनी, और अपन 1 इंची का इसमें मार्जिन ले लेंगे, आधा इंची दबने के लिए, आधा इंची आगे के लिए, आधा इंची पीछे के लिए। और यहाँ से अपन मोरी का निशान लगाएंगे 6 इंची, 6 इंची अपनी फिक्स है, और 1.5 इंची का अपन मार्जिन रखेंगे आगे। और यहाँ पे जो अपन ने आगे रखा है उससे 1 इंची बढ़ा के रखेंगे, 7.5, यहाँ पे 8.5 आ गया। तो यहाँ से अपन को 2.5 इंची कम करना है, यहाँ से अपन 2.5 इंची कम करेंगे, 2.5 इंची कम, 2.5 इंची कम करके इसको यहाँ से यहाँ तक अपन मिला देंगे त्रिकोण में, मिला दिया। अब इसकी गोलाई दे देंगे, यहाँ से आते आते धीरे 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 लाके यहाँ से हल्का सा गोलापन, और इसको इसमें मिला दिया, इसको यहाँ से इसमें। देखिए गाइस अपने आइसक्रीम का नाप लग चुका है, अब अपन इसकी कटिंग करें। आइसक्रीम कट चुकी है, अब इसमें अपन आगे का गड्ढा अभी नहीं देंगे गाइस, यहाँ पे अपना जॉइंट लगेगा जब आपको बताना है। अब अपन इसका तीरा काटेंगे, जो अपना ये कपड़ा बचा है इसी में अपन तीरा निकालेंगे, जो अपनी कमर लिया अपन ने उसी के हिसाब से अपना तीरा निकलेगा।
सबसे पहले अपन तीरा कटता है, एक ढाई इंची का कटता है, एक साढ़े तीन चार इंची का कटता है। तो हमेशा ब्लाउज में तीन या फिर साढ़े तीन या फिर चार का लगाए, ढाई इंची का लगाते हैं तो वो ब्लाउज उठता है आगे से, इसीलिए हमेशा चार या फिर साढ़े तीन का लगाए। अपन इसमें चार इंची का तीरा लगाएंगे, यहाँ से चार इंची, यहाँ से अपन ने चार इंची दिया, यहाँ से अपन लंबाई लेंगे जितनी अपनी ब्लाउज की कमर की थी लगाई अपन ने, उतनी यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से अपन ने चार लिया है, अपन आगे अपन अगर चार लेते हैं तो अपन को पीछे तीन इंची लेना है, एक इंची कम करके ही लेना है। यहाँ से भी अपन जो साढ़े तीन पे जो अपन ने टक्स लगाया था अभी आगे का पीस काटते समय, उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे साढ़े तीन पे ये करा, फिर यहाँ से तीन इंची यहाँ से भी लगाएंगे अपनी गोलाई देने के लिए। गाइस यहाँ पे अपन चार लगाएंगे तो यहाँ पे एक इंची कम करके लगाना है, और यहाँ पे साढ़े तीन लगाएंगे तो यहाँ पे ढाई, और यहाँ पे इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ से अपन ने तीरे की गोलाई दे देंगे जरा सी, ये अपनी तीरा, ये अपना तीरा लग चुका है, सिंपल है, इसकी अपन कटिंग करेंगे। तीरा भी कट चुका है, अपनी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। तीरा ये अपनी आस्तीन हो गई, ये अपने आगे का पीस हो गया, ये आगे का पीस, और ये अपना पीछे का पीस। अब पीछे की पीस की गले की कटिंग अपन स्टिचिंग करेंगे जब बताएंगे, आपको स्टिचिंग पार्ट में पता चलेगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। गाइस इसकी स्टिचिंग की वीडियो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।